बांका के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, हमें मशीन परचेज करने के लिए राजकोट विजिट के लिए आना चाहिए, जरूरी है या नहीं आना चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। राजकोट अहमदाबाद से 225 किलोमीटर दूर है। 225 किलोमीटर यहाँ आने के लिए बस से अगर आप आते हैं, अच्छी वोल्वो बसेस हर घंटे पे मिलती है, लेकिन वो आपके 3 to 4 hours लेती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट राजकोट के लिए बहुत सारी ट्रेन पूरे इंडिया से अवेलेबल है, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको राजकोट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी बम्बई और दिल्ली से अवेलेबल है। अदरवाइज आपको अहमदाबाद में एक ब्रेक लेके यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे मशीन चेक करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी पार्टी यहाँ विजिट के लिए आती है तो उसका ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है कि मशीन का वर्कमैनशिप कैसा है, मशीन का फिनिशिंग कैसा है, मशीन को वो खुद टच करके उसको चलाना चाहते हैं और उसका जॉब उसके उस मशीन के ऊपर कैसा बन पाता है, वही उन लोगों का मोटो होता है और वो लोग इसी वजह से यहाँ आते हैं। हाँ, प्राइस बार्गेनिंग एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए आपको राजकोट तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने ऑफिस से अच्छी तरह कर सकते हैं। राजकोट में कास्ट आयरन और फोर्जिंग प्लांट, कास्ट आयरन की फाउंड्रीज और फोर्जिंग प्लांट बहुत है। राजकोट से ही पूरे इंडिया में कास्ट आयरन और फोर्जिंग जाता है और बहुत सस्ता भी ये होता है। उस वजह से भी यहाँ कई सारे मशीन परचेज करने वाले कस्टमर्स मशीन के साथ साथ कास्टिंग को और फोर्जिंग को आउटसोर्स करने के लिए भी यहाँ आते हैं। बंका में आप जब भी विजिट करते हैं, अगर आप एक दिन पहले बोल देते हैं तो आपके लिए, आपको रिसीव करने के लिए कार और ड्राइवर वहां पे रहेगा, आपको रिसीव कर लेगा। आप अगर चाहे बंका के गेस्ट हाउस में भी रह सकते हैं, और अगर आप चाहे राजकोट में बहुत सारी सभी ग्रुप की होटल है, आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। और अगर आप बंका में स्टे करते हैं, आपको बंका नेट से सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ड्राइवर पिकअप करके आपको बंका के फ्लोर पे ले जाएगा। वहां पे आप मशीन को चेक कर सकते हैं। मशीन को चेक करने के लिए और फील करने के लिए डिपेंड्स, कई लोग 10 मिनट में तय कर लेते हैं कि हमें यही मशीन चाहिए, कई लोग मशीन को चेक करने के लिए 4 to 5 hours भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है आपके ऊपर। और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे हैं, वहाँ भी हमारी कार आपको ड्रॉप करेगी और आपको रिसीव करेगी। लेकिन कई लोग फैमिली के साथ भी यहाँ आते हैं, क्योंकि जब वो राजकोट आते हैं तो उसका गीर, सासन गीर फॉरेस्ट और सोमनाथ का टेंपल जो बहुत फेमस है, वहाँ भी वो जाना चाहते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए 1-2 दिन ज़्यादा चाहिए। अदरवाइज आप 2 दिन का प्लान बना के राजकोट में आके बंका का मशीन फ्लोर एक्सपीरियंस करके 2 दिन में वापस जा सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आप बंका में विजिट करना चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए, अगर आपके आस पास में बंका का मशीन अवेलेबल है तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ फील कर सकते हैं। लेकिन जब अवेलेबिलिटी नहीं है और आप मशीन का फिनिशिंग, उसका फीचर्स,
उसका वर्कमैनशिप जब यहां पे चेक करना चाहते हैं उस वक्त आपको यहां आना पड़ेगा, क्योंकि हम यह मशीन 15 साल के लिए ले रहे हैं, 10-15 साल ये चलने वाला है हमारे फ्लोर पे, और इसके ऊपर हमारे प्रोडक्शन डिपेंड्स है, तो आपको यहां आकर मशीन परचेज करना चाहिए। थैंक यू।